वी द पीपल, हम भारत के लोग में जो इंस्टीट्यूशनल लोग आ रहे हैं, प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या पुलिस है, या और भी जो सेक्टर हैं, उन सेक्टर के लोग आ रहे हैं, तो ये जो सेक्टर के लोग हैं, हमको इनसे क्या चाहिए? यानी हम जो साधारण लोग हैं, वी द पीपल हैं, जो गाँव में तहसील में रहते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको क्या चाहिए? एक तो हमको इन सबसे एक नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क का मतलब है कि अगर झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में कोई व्यक्ति है, उसको कोई लीगल परेशानी आई है, या उसको कोई हेल्थ की परेशानी आई है, या उसको कोई पुलिस की सहायता चाहिए, या उसको कोई टेक्निकल सहायता चाहिए, या कुछ मिनिस्ट्रियल सहायता चाहिए, या कोई जानकारी चाहिए, तो वहाँ कि जो लोग हैं जो इस काम को वी द पीपल के तहत कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनका नाम पता उन तक होना चाहिए। यानी जहां वो वी द पीपल के लोग जुड़े हैं, वहां हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे ये लोग हैं जो सहायता करेंगे। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आप डॉक्टर बने हैं, उन्हीं की वजह से आप इंजीनियर बने हैं, उन्हीं की वजह से वकील बने हैं, और उन्हीं की वजह से अन्य जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उनकी वजह से बने हैं। ये सर्विस आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका पेमेंट आपको करती है, स्टेट गवर्नमेंट आपको पेमेंट करती है, कॉर्पोरेशंस करती है, यानी जो भी जहां आपका जॉब है वो करते हैं पेमेंट आपको। ये तो एक तरीका है जो आप भारत की सेवा कर रहे हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर की सेवा कहाँ हुई? दरअसल कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा बाबा साहब से क्या लेना देना है, तो वो अपने पिताजी से पूछे, अपने फादर से पूछे कि वो डॉक्टर क्यों नहीं बन पाए, वो इंजीनियर क्यों नहीं बन पाए, वो एडवोकेट क्यों नहीं बन पाए, या वो गवर्नमेंट जॉब में कहीं सेक्टर में क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि मौका नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, और जो एजुकेशन मिली है उन्हें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली है, जो बहुत कम पैसों में मिली है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो बहुत कम पैसों में मिली है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है वो कुछ लोगों का हिस्सा है। वो हिस्सा कैसे है? जैसे एक जिले के अंदर 1 करोड़ लोग रहते हैं, और 1 करोड़ लोग में से अगर 100 लोग बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या नौकरियां लेते हैं, तो 1 करोड़ लोगों में से अगर वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग 20 लाख हैं, तो 20 लाख में से जो 100 लोग गए हैं वो दरअसल 20 लाख की वजह से गए हैं, क्योंकि जो 20 लाख का हिस्सा है उसमें से 100 लोग छटके गए हैं। वो 100 लोग कोई खास नहीं है, वो जो 20 लाख लोग हैं जिले में जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं, उनका हिस्सा बाबा साहब ने फिक्स किया हुआ है, उनकी सीट फिक्स की हुई है। तो जो 100 लोग गए हैं वो उनका हिस्सा लेके गए हैं, यानी कि 20 लाख लोगों की वो सीट हैं, मगर उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 100 लोग हैं। यानी हर जो डॉक्टर, हर जो इंजीनियर, हर जो पुलिस में काम करता है, या हर जो मिनिस्ट्री में या लीगल काम करता है, या जज है, या वकील है, या कोई अन्य सर्विसेज में है, वो पीछे वाले लोगों का, जो अनपढ़ लोग हैं, जो जानते नहीं हैं, उनका हिस्सा है उसके पास में, उस हिस्से को वो ले रहा है, तो उन लोगों का हिस्सा उसे वापस भी करना है। वो तनख्वाह ले, अच्छी बात है, काम करे, उसका परिवार बहुत बड़ा आगे बढ़ना चाहिए, उसके बच्चे खूब बड़े होने चाहिए, वो समाज का हिस्सा है, मगर जिनका हिस्सा वो लेके आया है उनके हिस्से में तो कुछ उसने वापस किया नहीं। ये नौकरी जो 20 लाख लोग थे उनकी थी, 100 लोगों की नहीं थी। तो 100 लोगों का फर्ज बनता है कि वो गवर्नमेंट का काम करें तब भी उनको फायदा दें, और गवर्नमेंट के काम से जब छुट्टी मिले, जब ड्यूटी उनकी ऑफ हो, सैटरडे हो, संडे हो, या हॉलीडे हो, या सुबह शाम का टाइम हो, तो जिस चीज़ के वो एक्सपर्ट हैं उसकी सेवा देखें, उनकी मदद करें, अपना फर्ज निभाएं, बाबा साहब ने जो दिया है उसका कर्ज वापस करें। हर हालत में ये दिमाग में रखें कि आप पढ़ने में तेज हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप जानकार हो सकते हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, आपका दिमाग बहुत अच्छा हो सकता है, मगर जो पीछे 20 लाख लोग हैं
उनका हिस्सा है आपके पास। अगर उनकी संख्या 20 लाख नहीं होती तो आपकी 100 सीटें नहीं होती, अगर उनकी संख्या जीरो होती तो आप अगर 100 के 100 भी होते तो आपका एडमिशन नहीं होता। इसलिए भारत का हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर, हर एक पुलिस वाला, हर एक कर्मचारी, हर एक वकील, हर एक जज, हर एक नौकरी करने वाला या जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से चीज़ें ले रहे हैं वो उनकी नहीं है, वो उनके पिताजी की भी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम पढ़े और हमें मिली हैं तो वो पढ़ लेते, बन जाते रिजर्वेशन के बिना, तो हम एक बार को कह सकते थे कि ये रिजर्वेशन के बिना बने हैं। मगर इसमें भी बात आधी है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। आप अगर पढ़ के और बिना रिजर्वेशन के नौकरी भी लेते तो भी पढ़ाई का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया है, तो यहाँ भी आपको पे बैक टू सोसाइटी करना ही होगा। तो कैसे करेंगे? आप अगर डॉक्टर हैं तो आप प्लान बनाइए कि कैसे हमारे लोगों को, जैसे आज के समय में पैंडेमिक है, आज के समय में करोड़ों लोग मर रहे हैं, हर गांव में लोग मर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ जो रोटी बनाने वाला लड़का था, वो लड़का गांव चला गया, उसका फ़ोन आया कि उसकी माँ बीमार है, मर गई, और उसकी पत्नी को सांस नहीं आ रही है। उसको बेचारे को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है गांव में सब ठीक है, पिछले दिनों लगभग 200 लोग मर चुके हैं, बस हल्की सी खांसी आती है, सांस फूलती है और मर जाते हैं, वैसे कुछ नहीं होता, ये उसने बताया। तो हम जो कर सकते थे वो ये था कि डॉक्टर से मिलके हमने टेलीफोन पर उसको दवाई बताई जो वहाँ अवेलेबल हो सकती हैं, कि ये दवाई आप लेके अपनी पत्नी को तुरंत दे दो, और कोई मदद हम कर नहीं सकते। तो ये सबसे छोटी मदद है जो आप टेलीफोनिक कर सकते हैं। एक एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि भाई ये बीमारी है या ये स्वास्थ्य के नियम हैं, आप इनको फॉलो करें, पूरा नेटवर्क साथ है। और बड़ी से बड़ी मदद ये होगी कि आप सारे मिलके एक बिजनेस मॉड्यूल पे, क्योंकि अब गवर्नमेंट आपको डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या जो भी है वो नहीं बनाने वाली है, या मैनेजमेंट का मैनेजर IIM नहीं बनाने वाली है, उसका वो पैसा लेती है। तो आप तो पढ़ गए, आप सस्ते में पढ़ गए, फ्री में पढ़ गए, और आपने इतना पैसा कमा लिया कि आपके बच्चे भी 1 करोड़ की फीस देकर, 50 लाख की फीस देकर पढ़ जाएंगे। मगर उनके बच्चे नहीं बन सकते, क्योंकि आपने जितना पैसा नौकरी में कमाया था वो तो आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया। अब आपके बच्चों को जो नौकरी मिलेगी वो 10,000 की और 20,000 की मिलेगी, और वो भी 12 घंटे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब में तो आपके पास में बाबा साहब के अकॉर्डिंग 8 घंटे का रूल है, मगर प्राइवेट में तो कोई रूल नहीं है, आप काम नहीं करेंगे आपको निकाल देंगे। और आपके इंस्टीट्यूशन है नहीं, ना तो आपके कॉलेज हैं, ना आपका मेडिकल सेटअप है, ना आपका इंजीनियरिंग सेटअप है, ना आपका लीगल सेटअप है, ना आपके पास ज़मीनें हैं, ना आपके पास इंडस्ट्रीज़ है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को एकोमोडेट कैसे करोगे? और अब जो नौकरी बड़ी हैं उनमें लेटरल एंट्री है, तो जो कोई बड़ा अधिकारी है जो बन गया, आगे तो चांस जीरो है। तो अगर आप इकट्ठे नहीं होगे तो अभी आपके बच्चे तो इसमें रोध होके अपना घर मकान बेच के कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, मगर उनके बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसको आप समझ लेना अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि जिस बात पे आप कूद रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं और हम अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, आपने अगर अभी सेटअप नहीं बनाया और अभी आप इकट्ठे नहीं हुए, तो आगे ना कोई इंजीनियर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना जज बनेगा, ना वकील बनेगा, ना कोई क्लास 1 बनेगा, ना क्लास 2 बनेगा। लेबर बनेंगे, सारे स्किल्ड लेबर बनेंगे, अनस्किल्ड लेबर बनेंगे। इसलिए यहाँ जो हम आपसे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ये सारे लोग, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, ये पैसा दें या ना दें लोगों को, वी द पीपल को, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये अपना समय और जो इन्होंने सीखा है उसको सोसाइटी को दें, और मन से दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी सोसाइटी बचेगी, अगर आपके लोग बचेंगे, अगर वो स्वस्थ रहेंगे, तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी, उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो लोकतंत्र में आपकी सीट और आपकी बात ज़्यादा होगी, आपकी बात और आपकी सीट्स ज़्यादा होंगी, तो आपके अधिकार पूरे आपको मिलेंगे। अब ये जो 6-7 करोड़ लोग पैंडेमिक में एक एक गाँव में 200-200 लोग मरे हैं, पता ही नहीं कितने लोग कितने नहीं मरे हैं, ये सारी जनसंख्या जो कम हुई है इसमें अधिकतर आपकी है, आपकी नाकामी और आपके निकम्मेपन की है, क्योंकि आपने नेटवर्क नहीं बनाया, आप उन तक पहुँचे नहीं, आपने उनको नहीं बताया कि उनको दवाइयाँ कैसे मिलेंगी, इसमें कैसे बचा जाएगा, आपके वहाँ कोई सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए, आपके वहाँ टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, आपका वहाँ पे कोई लिंक या कोई मोबाइल, कोई नेट नहीं है, आपका वहाँ कोई पुलिस की सहायता नहीं है, आपकी वहाँ कोई वकील की सहायता नहीं है, इसलिए वो लोग इनडायरेक्ट किलिंग में मारे जा रहे हैं।
डायरेक्ट किलिंग में मारने का जमाना चला गया है। किसी को गोली मारना, सीधे मारना, ये बहुत कम होता है क्योंकि दूसरे को डर रहता है कि बाद में छुपके हमें मार सकता है। मगर इनडायरेक्ट किलिंग जो होती है, अप्रत्यक्ष जो हत्याएं होती हैं, वो करोड़ों में होती हैं। दवाई का नहीं मिलना इनडायरेक्ट हत्या है, हॉस्पिटल का नहीं मिलना इनडायरेक्ट हत्या है, अच्छा खाना नहीं मिलना जो न्यूट्रिशन वाला है वो इनडायरेक्ट हत्या है, पढ़ाई नहीं मिलना वो इनडायरेक्ट गुलामी है, कोई लीगल हेल्प नहीं मिलना वो इनडायरेक्ट उसके राइट्स की हत्या है। जेल में सड़े रहते हैं लोग जबकि कोई उनका ऑफेंस नहीं होता है, लीगल सपोर्ट होती नहीं, वहीं मर जाते हैं। तो आपका परिवार जितना तेजी से मरेगा उतनी तेजी से आप भी मरेंगे, आपके बच्चे मरेंगे। अभी आपको लगता है कि इसके कोई ऐसा नहीं आने वाला है, आप देख लीजिए कि आपके बच्चे आज के समय जो डॉक्टर बन रहे हैं वो 1 करोड़ में, जो इंजीनियर बन रहे हैं वो 50 लाख में, जो IIM में जा रहे हैं वो 10 लाख में, 20 लाख में, और इसके बावजूद उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको काम नहीं है, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। जब आपकी इंडस्ट्री नहीं, आपका सेटअप नहीं, आप कहीं पावर में नहीं, तो उनको देंगे क्या? तो डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हुए सबको इकट्ठे होकर आना है। और जो इंस्टीट्यूशनल एरिया हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो अलग अलग तरह के काम करने वाले हज़ारों तरह के लोग हैं वो हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उस काम को तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। और हमको नेटवर्क दीजिए। नेटवर्क का मतलब है कि हमको बताइए कि फलाने स्टेट में जो डॉक्टर्स हैं आपको वो डॉक्टर मिलेगा, इसके लिए आप कंट्रोल रूम सेटअप कीजिए, इसके लिए मेंबर सेट सेटअप कीजिए। अगर आपको बचना है, पहले अपने बचने का इंतजाम करिए, फिर हमारे लिए बचने का। हम दोनों आपस में एक दूसरे का बचने का इंतजाम करेंगे तो हम बचे रहेंगे, बच्चे बचे रहेंगे। इस पर काम कीजिए, वाइड एंगल से सोचिए। जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बड़े बड़े डिपार्टमेंट बनाए हैं उनकी तरह सोचिए, पूरे देश के साथ जुड़ने का सोचिए। मोहल्ले गली से काम नहीं हो पाएगा, अगर मोहल्ले गली से काम होता तो अब तक हमारा ये हाल नहीं होता। इसलिए जो लोग एक साथ नहीं आना चाहते वो समण समाज के, हमारे समाज के गद्दार हैं। जो लोग अपनी प्रधानी और इन चीज़ों को ऊपर रखना चाहते हैं वो हमारे समाज के, समण समाज के समण द्रोही, समण गद्दार हैं। जो लोग अभी इस बात को नहीं समझे वो बाबा साहब को जानते ही नहीं हैं। वो बाबा साहब का नाम लेके संगठित रहो कहते हैं, मगर उन्हें बाबा साहब के संगठित होने का मतलब ही नहीं पता। बाबा साहब ने जो कहा था कि 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और अगर 30 वकील हों तो आँख नहीं उठा सकता, इसका मतलब ये था कि 10 डॉक्टर या 20 इंजीनियर या 30 वकील समाज को सर्व करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी मोटी मोटी तनख्वाहें या अपनी बढ़िया नौकरी लेके कंफर्टेबल जॉब में बैठे रहेंगे और बहुत ज़्यादा उनको दर्द होगा सुन के, बाबा साहब से आँख मिलानी होगी तो 14 अक्टूबर को एक मोमबत्ती जला लेंगे या कहीं जय भीम कर लेंगे या एक फ़ोटो लगा लेंगे या कहीं चैरिटी करके 2-4 बिस्किट बांट देंगे या 2-4 दवा बांट देंगे। ये इवेंट वाले से काम नहीं चलेगा, यहाँ रेगुलर मदद चाहिए। इवेंट वाले से आप अपने आप को सेटिस्फाई तो कर सकते हैं मगर इससे समाज सेटिस्फाई नहीं होगा, ना ही वो बचेगा। और जिसका समाज नहीं बचता वो कुत्ते की मौत मारा जाता है, इसके बहुत सारे उदाहरण पूरी दुनिया में हैं, आप नेट पर देख सकते हैं। इसलिए अगर अपने आप को बचाना है तो अपने गरीब बहन भाइयों को बचाइए। बाबा साहब ने जो कहा था कि जिसके यहाँ 10 डॉक्टर होते हैं, 20 इंजीनियर या 30 वकील होते हैं, इसका मतलब ये था कि वो सर्व करें, वो उनको सुरक्षा दें, वो उनकी सेवा करें, वो उनमें काम करें। इसका मतलब ये नहीं था कि अपने घर में 10 डॉक्टर बना के बैठ जाओ या 20 इंजीनियर बना के बैठ जाओ या 30 वकील बना के बैठ जाओ और कहो जी कि अब तो हमने बाबा साहब के कहने के बजाय हज़ारों बना दी हैं। उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो गुलामी की तरफ बढ़ने की तरफ हैं। इसलिए जिन भी लोगों ने आपको ये सिखाया है कि 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे तो समाज की तरफ आँख नहीं उठा सकता, उन्होंने आपको गलत पढ़ाया है। इसका सही मतलब है कि अगर वो सारे के सारे समाज में एक नेटवर्क बनाते हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज में सेवाएं देते हैं, तब आँख नहीं उठा सकता। आपका बीमार आदमी होगा, आपका बूढ़ा आदमी होगा, आपका कुपोषण वाला होगा, आपके समाज में अगर जान नहीं होगी, बीमार होगा, तो आपकी पिटाई होना निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसलिए विदा पीपल में बहुत तेज़ी से काम कीजिए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का काम है, देश को बचाने का काम है। देश के लोग बचेंगे तो देश विश्व शक्ति बनेगा, तो देश आगे बढ़ेगा, तो हम महाशक्ति बनेंगे, तो हम महागुरु बनेंगे। देशभक्त बनिए, अपने लोगों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।